इस वेले असी मौजूद हाँ मुख्यमंत्री के घर की कुछ दूरी के उपर जिथे कि सिक्ख्या मंत्री का घर का घराव करन दे लई SSA रमजा जिहड़े कच्चे कर्मचारी है पक्के होण दी मंग नूं लेके ते धरना दिता गया ते अज शिक्षा मंत्री दे घर दा घराओ करनगे। लेकिन किते ना किते तुसीं देख सकदे हो साफ तौर ते जिहड़ी पंजाब सरकार दे खिलाफ जम के मुर्दाबाद दे जिहड़ी नारेबाजी हो रही है किते ना किते इन्हां दी जिहड़ियां मंगां हैगियां इन्हां दे वल्लों साफ तौर ते एक चीज़ होर है भी लालीपॉप जिहड़े लालीपॉप हर वालों प्रशासन वालों दिते जाते हैं उहनूं लेके भी देखिया जा रहा है किते ना किते साफ तौर ते पंजाब सरकार के खिलाफ जम के मुर्दाबाद के नारेबाजी की जा रही है। शिक्षा मंत्री के घर का घराव करन का जिहड़ा ऐलान है अज SSA रमजा कच्चे कर्मचारी पक्के होने की मांग नूं लेके इत्थे पहुंचे ते शिक्षा मंत्री के घर का घराव करनगे। धरना किया जा रहा है ये धरना इस रोस वजो किया जा रहा है क्योंकि सिक्ख्या विभाग में सानूं 14 साल हो गए ने काम करदे नूं मुख्य दफ्तर तो लैके ब्लॉक दफ्तर असीं काम कर रहे हैं लगातार सेवावां दे रहे हैं तो सिक्ख्या विभाग नूं प्रगति वल लैके जा रहे हैं पर हर वारी साडे नाल वतीरा किया जांदा है। 2018 च साडे नाल दे काम करदे अध्यापकां नूं रैगुलर कर दिता गया सीगा पर उदों दा सानूं इह कहा जा रहा भी अगली कैबिनेट मीटिंग च तुहानूं पक्का कर दिता जाऊगा। पहलां सोनी साहब सीगे सिक्ख्या मंत्री हुण विजेंद्र सिंगला ने हर बार जदों भी असीं मिलदे सानूं इह कहा जांदा भी साडी जिहड़ी फाइल है वी जी पंजाब वल पई है ते पेंडिंग है ते असीं जल्दी क्लीयर करा के तुहानूं रैगुलर करांगे पर बड़ी शर्म दी ते बड़ी माड़ी गल है सवा साल हो गया सरकार AG दफ्तर ते इक फाइल पास नहीं करा सकी तो सिक्ख्या मंत्री दी कारगुजारी ते असीं सवाल चकदे हां भी तुसीं सानूं लारियां च क्यों लाया होया है। इस करके अज असी एक धरना रखिया असी सिक्ख्या मंत्री दे मार्च करांगे नाल ही उन्होंने लोलीपॉप दे के आवांगे कि तुसीं सानूं लारियां दे लोलीपॉप ही देई जा रहे हो आदे लोलीपॉप कोल रखो ते साडे जिहड़ा हक है सानूं रैगुलर करन दा वो पहल दे आधार ते साडियां सेवावां रैगुलर करो। हाँ बिल्कुल ठीक है तुसीं हर वारी मीटिंग वास्ते बुलांदे ने क्योंकि सरकारां नाल गल अल्टीमेटली सानूं इह लगदा भी जिहड़ा फैसला हुंदा उह मीटिंगां च ही होणा हुंदा है। रोज़ धरना असीं आदा विखावा करदे हाँ आदा दुख दर्द लोगों के सामने रखते हैं सरकार अगे रखते हैं असीं अज भी इत्थे आए हैं इसे करके आए हैं भी सिक्ख्या मंत्री साहब सानूं मिलनों ही गए हुण क्योंकि हुण तां इन्हां ने आप वोटां पा लईआं ने इन्हां ने आप लोगों से जाना 6 महीने सरकार दे रह गए ने 6 महीने च हुण इन्हां ने काम ही करने ने जेकर सानूं अज नहीं मिलते तो असीं आने वाले दिन जितों जितों सिक्ख्या मंत्री जाणगे उत्थे इन्हां दा घराव करांगे। जेकर सानूं जल्दी तो जल्दी रैगुलर नहीं किया तो जिहड़ी साडी तनखावां कटियां जा रहीयां ने साडी कुछ कैडर दी तनखावां कटाईयां ने जे इमीजिएट सानूं नहीं दित्तियां तां इन्हां दे जिहड़े अंजाम आने वाली वोटां जिहनां नूं भुगतने पैणगे। अज जिहड़ा जी साडा टोटल 1000 बंदा है जी पर अज असीं कोविड की पालना करते हुए बड़े थोड़े बंदे बुलाए ने ताकि ये है भी जिहड़े सिक्ख्या मंत्री असीं एक संबोलिक अज धरना दे के आ रहे हैं पटियाले च भी तुहानूं असीं किते वी छड्डना नहीं गा तुहानूं जिहड़े सर्व सिक्ख्या अभियान ते मिड डे मील दफ्तरी मुलाजम उहनां नूं पहल दे आधार ते रैगुलर करना ही पैणा। देखो जी सिक्ख्या विभाग सिक्ख्या देंदा लोगों नूं इह पढ़िया लिखिया दा विभाग कहा जांदा है पर जदों पढ़िया लिखिया विभाग ही लोगों नाल वतीरा करूगा तो असीं आपदे बच्चों नूं की मैसेज देवांगे असीं आने वाली पीढ़ी नूं की मैसेज देवांगे भी तुसीं धक्के खाओ 14 सालों की नौकरी कोई छोटी नहीं हुंदी 12 सालों बाद तो रूड़ी की भी सुनी जाती है 14 सालों की नौकरी तो बाद भी अज्ज सड़कां ते धक्के खा रहे हैं जबकि सरकार की जो सरकार बनी उस तो पहला साडे नाल वादे किए हुए ने भी पहल दे आधार ते कच्चे मुलाजमां नूं पक्का किया जाऊगा पर 4 साल बीत गए जिवें पिछली अकाली दल ने साडे नाल धोखा किया सी सरकार ने सेम धोखा यही कर रहे हैं इस करके अज असीं इन्हां नूं जवाब देण आए हाँ भी आने वाले दिनों तुसीं साडे कोल आओगे फिर तुहानूं भुगतना पऊगा हुणे साडी गल मान लो। देखो जी मीटिंगां जिहड़ा मसलियां दा हल मीटिंगां 'च ही होणा हुंदा साडी जिहड़ी गल है मीटिंगां 'च ही हल होणी है असीं अजे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं इस करके भी ताकि उन्होंने तक साडी आवाज़ जाए आम लोगों को भी पता लगे साडा दुख दर्द की है। जेकर साडे नाल सिक्ख्या मंत्री साहब मीटिंग करते हैं असीं जी सद के मीटिंग 'च जावांगे तो बड़ी प्रमुखता नाल उन्होंने इस गल का अहसास दवांगे भी 3 सालों तो तुसीं लारियां तों अलावा सानूं कुछ नहीं दिता। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ।